नमस्कार, मैं हूं अजय द्वारका रूट से। दीपावली के शुभ अवसर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 बेडरूम का द्वारका में एक बहुत ही प्राइम सोसाइटी के अंदर लग्जरी फ्लैट। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लेआउट है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स एंड फैमिलीज एंड व्यूवर्स को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा द्वारका सेक्टर 9 के अंदर एक बहुत ही लेविश ग्रीन अपार्टमेंट। ये हमारा आजादीन अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम की कैटेगरी है। बहुत ही सुपर लग्जरी फ्लैट रहने वाला है, अल्टीमेट सोसाइटी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। नियर बाई स्कूल्स की बात करें तो आर डी राजपाल स्कूल और दूसरा स्कूल ITL पब्लिक स्कूल, तो 2 स्कूल्स आपको यहाँ पे पास में रहने वाले हैं। सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन लग जाता है पास में। एल टाइप हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहने वाला है। सनलाइट की इस प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 बेडरूम के साथ में मिलेंगे आपको 3 वॉशरूम। रेडी टू मूव इन कैटेगरी के अंदर ये फ्लैट है। आइए चलते हैं इसके प्रॉपर वर्चुअल टूर पे, देखेंगे किस तरीके का लेआउट है। पहले देखते हैं सोसाइटी का एलिवेशन। आइए, अभी मैं अपने फ्लोर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगी लिफ्ट। लिफ्ट से आप जैसे ही बाहर आएंगे इस साइड पे आपको मिलेगा हमारा मेन फ्लैट और बैक साइड में एक फ्लैट रहने वाला है आपका। और कॉरिडोर में जैसे ही आप आगे आएंगे राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको एक फ्लैट। तो 3 फ्लैट हमारे इस फ्लोर पे रहने वाले हैं। 5th फ्लोर का हमारा फ्लैट है। ग्रैंड एंट्री के साथ में आप एंट्रेंस देख सकते हैं। लूवर्स का सारा प्रोफाइल लाइट के साथ में आपको काम मिल जाता है। नीचे टाइल फ्लोरिंग का कॉम्बिनेशन आप देखें, एंट्रेंस पे कितना ब्यूटीफुल काम करा के आपको दे रहे हैं। 8 फुट का हाइट इसके अंदर आपको डोर मिल रहा है, जिसके अंदर गोदरेज कंपनी का सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर वाला लॉक भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर लेआउट की, किस तरीके का इसका लेआउट है। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो ये बड़ा सा आपको एक लिविंग रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टीवी कैबिनेट दिया हुआ है। नीचे आपके वार्डरोब्स हो गए स्टोरेज के लिए, काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक फैंस दिए हुए हैं इसके अंदर। बीच में आपको प्रोफाइल और कॉम्बिनेशन सारा POP का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इधर हाईलाइट वॉल की हुई है, ग्लास का काम हो रखा है प्रोफाइल का। और इस तरफ आप अगर आप देखें तो UPVC आपको विंडो मिलेगा, 3-टायर विंडो, जहाँ पे आपको गार्डन फेसिंग की बैल्कनी मिल रही है और काफ़ी अच्छा सनलाइट का प्रोविज़न मिल रहा है। अब लेआउट मैं प्रॉपर समझाता हूँ। ये हमारी मेन एंट्रेंस है। एंटर करते ही आपको मिलेगा आपका लिविंग रूम और इस तरफ आपका डाइनिंग सेक्शन, जो बिल्कुल ही सेपरेट रहने वाला है। इस तरफ हमारा 1st बेडरूम है, ये हमारा 2nd बेडरूम है, ये हमारा 3rd बेडरूम है। तो डाइनिंग सेक्शन के अंदर आइए, आपको दिखाते हैं किस तरीके के। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग सेक्शन प्रॉपर लगा सकते हैं। 6 सीटर्स आपको यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन प्रॉपर लगा पाएंगे। ऊपर काफ़ी अच्छा पट्टा दिया हुआ है POP का सेंटर में, और बीच में फैन दिया हुआ जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो किचन है एल टाइप के अंदर हमारी किचन रहने वाली है, काफ़ी अमेजिंग किचन है आप देख सकते हैं। नीचे वाटर जेट कटिंग की टाइल कॉम्बिनेशन दिया हुआ, ऊपर काफ़ी अच्छा POP का डिज़ाइन दिया हुआ है। इस तरफ हमारा वॉशिंग एरिया है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विंडो, आप देख सकते हैं। चिमनी हॉब आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, ये आपका होब लगा हुआ है, ठीक है जी। मॉडुलर फिटिंग के साथ में आपको ये किचन देखने को मिलेगा। फ्लैट में हमारे पेंट्री रहती है, आप देख सकते हैं स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी पेंट्री भी दी हुई है। अब आपका फ्रिज का स्पेस मैं समझा देता हूँ। ये आपका फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना ग्रैंड फ्रिज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने डाइनिंग सेक्शन देख लिया, वापस से चलते हैं इस तरफ हमारे 1st बेडरूम में। आइए, 1st बेडरूम में एंटर करने से पहले ये राइट हैंड साइड पे हमारा आप वॉशरूम देख सकते हैं। 2nd बेडरूम से भी कंबाइंड वॉशरूम है। वैसे इसके अंदर 3 वॉशरूम्स हैं, तीनों वॉशरूम्स में आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगा। ये हमारा बेडरूम का साइज़ अगर मैं बात करूं तो 11x11 का हमारा बेडरूम का साइज़ है। इंटरनल कबर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि आपका बेडरूम का साइज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये जो बैल्कनी है आप देख सकते हैं, ये हमारी गार्डन फेसिंग की बैल्कनी है। इस तरफ जो है आपका सोसाइटी का इंटरनल गार्डन दिखेगा आपको। आप चाहें तो इस बैल्कनी को एज एन वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर टैब का ऑप्शन दिया हुआ है इस तरफ। तो 1st बेडरूम में आपका अटैच वॉशरूम मैंने आपको दिखाया, ये वाला। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको 2nd बेडरूम की ओर। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसको हम पाउडर रूम भी बोलते हैं। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग के साथ में कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया रहने वाला है। अभी मैं आपको 2nd रूम दिखाता हूँ। ये हमारा अगेन 2nd बेडरूम है। इसका साइज़ भी 11x12 का बेडरूम साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके अंदर भी आपके इंटरनल कवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। और जो वॉशरूम हमारा 1st रूम के साथ में था, ये कंबाइंड वॉशरूम है। आप इस रूम से भी एक्सेस कर सकते हैं इस वाले वॉशरूम को। बैल्कनी सेम हमारी अटैच कॉमन रहने वाली है, जो 1st बेडरूम के साथ में थी। यह मेरा किचन आपको दिखाया, कॉमन वॉशरूम दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ इसका 3rd बेडरूम। 3rd बेडरूम का साइज़ आप देखें, अगर मैं ऐसे लंबाई की बात करूँ तो ये 13 फुट ऐसे लंबा है और ऐसे 11 फुट है। 13x11 का हमारा बेडरूम साइज़ है, जिसके अंदर आपको एक ग्रैंड बिग लॉबी की एक बैल्कनी मिल रही है। 3 डोर अलमीरा मिल रही है। कॉम्बिनेशन
लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। और एक सेपरेट अटैच वॉशरूम है एज इन मास्टर बेडरूम, इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ही प्रीमियम टाइल मिलती है, शावर एरिया मिलता है, पॉट एरिया मिलता है, ये आपका वॉश बेसिन एरिया है, नीचे वैनिटी दी हुई है। काफ़ी अमेजिंग डील है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन के अंदर हमारी प्रॉपर्टी है, द्वारका सेक्टर 9 में, आजादीन CGHS के नाम से हमारी ये प्रॉपर्टी है। अब ये इसकी बैल्कनी जो है, बहुत ही प्राइम लोकेशन के अंदर ये बैल्कनी है। अगर आप इसका व्यू देखें ना, तो पूरा ओपन व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लश ग्रीन पार्क आपको DDA का देखने को मिल जाएगा। सामने आपको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का सामने लोकेशन देख सकते हैं, सेक्टर 9 के अंदर ये हमारी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बैक साइड में इसके मेट्रो स्टेशन है। सामने जितना भी आप देख रहे हैं ये DDA का पार्क है, इस पार्क को भी आप एक्सेस कर सकते हैं सोसाइटी के पीछे बैक साइड वाले गेट से। तो लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर 9 में हमारी ये प्रॉपर्टी है, और आजादीन के नाम से 1750 स्क्वायर फीट के अंदर ये बना हुआ है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया है तो 2,68,00,000 रुपए की इसकी डिमांड रहने वाली है, जो कि नेगोशिएबल होता है ऑन टेबल। वाइट की बात करें तो वो आप हमारे से कॉल पे डिटेल ले सकते हैं। इसी तरीके की प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मेरा नाम अजय है फ्रॉम द्वारका रूट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।